शब्दों से सीख लो ये मधुर तलवार है, एक निहत्थे व्यक्ति का अनोखा हथियार है। टूटना जुड़ना मेरा काम है, मिटकर भी अमिट हूँ, ढाई अक्षर का मेरा नाम है, मैं शब्द हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाना। और आज की इस कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे इम्पोर्टेंट स्विच वर्ड्स के बारे में जिसे बोलकर आपको हमेशा सफलता ही प्राप्त होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, आज के लाइफ में हम सभी किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं, चाहे वो बीमारी हो, पैसे को लेकर हो या रिश्तों को लेकर। ऐसे में हम उसका तुरंत समाधान चाहते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसे वर्ड्स जिसको बोलते ही आपकी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार दो तरह के स्विच वर्ड्स होते हैं, वैदिक और इटालियन स्विच वर्ड्स। हाल ही में इटालियन स्विच वर्ड्स ज्यादा प्रचलित हुए हैं। स्विच वर्ड्स दर्शकों वे शब्द होते हैं जिनसे आपकी ऊर्जा को एक आयाम से दूसरे आयाम में तेजी से बदला जा सकता है। स्विच वर्ड्स के बारे में कुछ और बातें यदि मैं आपके साथ साझा करूं तो वो ये है कि ये शब्द आकर्षण के नियम के मुताबिक काम करते हैं। ये शब्द सीधे तौर पर किसी व्यक्ति के अवचेतन मन तक पहुंचते हैं और इसे बदल सकते हैं। ये शब्द आपके व्यवहार और विश्वास को आपके विचारों और लक्ष्यों से जोड़ते हैं। ये शब्द आपके ध्यान लगाने और दिमाग को शांत करने में भी मदद करते हैं। सभी शब्द स्विच वर्ड्स बन सकते हैं। स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है, जैसे कि उन्हें लिखना, कला में इस्तेमाल करना या अपने लेखन में शामिल करना। स्विच वर्ड्स को एकल शब्द पुष्टि कहा जा सकता है। दर्शकों, बचपन में हम सभी खुल जा सिम सिम शब्द का उच्चारण करते थे, क्योंकि हम ये उम्मीद करते थे कि इस जादुई वाक्य के उच्चारण से हमारे सामने भी कीमती खजाने का दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन बड़े होने के बाद हम सभी इसे झूठ समझते हैं। हालांकि ये बात पूरी तरह सच है कि आपको कोई जादुई खजाना नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपके अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे सौंदर्य की समस्याओं को हल करने में काफ़ी हद तक मददगार हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी दर्शकों, लेकिन एक इस तरह की अवधारणा का आविष्कार किया गया है जो हमारे जागरूक सोच से निकलते हुए हमारे अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। इसे स्विच वर्ड्स कहा जाता है। जैसे आप जिन सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल अच्छे स्वास्थ्य, सौंदर्य और कल्याण के लिए करते हैं, स्विच शब्दों को बुद्धिमानी पूर्वक चुना जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इन शब्दों की मदद से किसी व्यक्ति के अवचेतन को चालू कर सकते हैं। ये शब्द आपकी ऊर्जा को एक आयाम से दूसरे आयाम में बदलने में मदद करते हैं। स्विच वर्ड्स आपके विचारों और लक्ष्यों को जोड़ते हैं और ये आपके व्यवहार और विश्वास को बदल सकते हैं। स्विच वर्ड्स आकर्षक के नियमों के मुताबिक काम करते हैं। ये शब्द ध्यान के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इटालियन स्विच वर्ड्स के बारे में। इन्हें मूल रूप से इटालियन फोक शायर कहा जाता है। ये प्राचीन शब्द है जिनका इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। ये शब्द आपको खुद को बदलने में मदद कर सकते हैं और आपके जीवन में चीज़ों को जादुई तरह से घटित कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि क्या सभी शब्दों में स्विच शब्द बनने की शक्ति होती है। तो ये शब्द किसी भी व्यक्ति की मानसिक आवृत्ति को भी बदल सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब आप स्विच दबाते हैं तो सिर के ऊपर लगी लाइट जल जाती है। ठीक उसी तरह से जब आप स्विच शब्दों का उच्चारण करते हैं तो ये आपके अवचेतन मन को जगाते हैं और किसी क्रिया को अंजाम देने का काम करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ऐसे शक्तिशाली शब्द जो हमारे अवचेतन मन से बात करने के साथ ही कल्याण और आत्म उपचार को प्रकट कर आपकी क्षमता को सक्रिय करते हैं। जैसे हमारी ऊर्जा वही प्रवाहित होती है जहां फोकस किया जाता है, ऐसे में किसी भी स्विच शब्द के संदर्श में फोकस बिंदु चुनने की जरूरत होती है। अपनी दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करने से ऊर्जा और गति पैदा होती है। तो इस तरह से एक निराश व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं को त्याग सकता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। इन शब्दों को जपने से हमारे शरीर की कंपन बदल जाती है। ये स्विच वर्ड्स उन्हें कहते हैं जो इरादा करने, जपने या गाने पर सहानुभूतिपूर्ण प्रतिध्वनि पैदा करते हैं, जो हम चाहते हैं उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं।
जैसा कि हम समझ गए हैं कि शब्दों का आदान प्रदान हमारी ऊर्जा के आयाम को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलकर काम करता है। बता दें कि एक व्यक्ति की 3 मानसिक अवस्थाएं होती हैं, जिनमें एक सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ है। दर्शकों, ऊर्जा प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को शब्दों और उसके ध्यान के बिंदु को बुद्धिमानी पूर्वक चुनना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्यों को निर्देशित करने के लिए हमारा अवचेतन मन बहुत अधिक शक्ति रखता है, जो आपको अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन देने में मदद करता रहता है। स्विच शब्द और कुछ नहीं बल्कि अभिव्यक्ति का एक रूप है, जो हमारे दिमाग को शांत करने के साथ फोकस को बेहतर बनाने में मदद करता है। चलिए बात करते हैं कुछ स्विच वर्ड्स के बारे में। सबसे पहला यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो शब्द है वो है प्रोसोपायर। प्रोसोपायर एक इटालियन स्विच वर्ड है। ये आपकी जॉब नहीं लग रही या आप जॉब बदलना चाहते हैं, आपका अपना कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा है, दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम आप 51 बार प्रोसोपायर बोले, इससे प्रोसोपायर वर्ड आपके लिए एक्टिव हो जाएगा और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। अगला शब्द है कॉन्वलेक्सा। कॉन्वलेक्सा, जी हाँ, ये भी एक इटालियन स्विच वर्ड है। अगर आपके पास पैसे की कमी है, पैसे की बहुत अर्जेंट नीड है, पैसा आपके पास नहीं रुकता, तो कम से कम 51 बार कुछ दिन तक कॉन्वलेक्सा बोलें। दिन में किसी भी समय आप इसको बोल सकते हैं और आप देखेंगे कि जादुई रूप से ये शब्द आपके लिए एक्टिव हो जाएगा। ये वर्ड पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगला शब्द है दुरंत देव। दुरंत देव आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दर्शकों। अगर आप किसी चीज में फंसे हुए हैं और निकलना चाहते हैं, या आपको किसी केस के सिलसिले में पुलिस पकड़ने आ रही है, या आपको घबराहट हो रही है, आप पे मर्डर का केस चल रहा है, आपको लगता है कि आपकी किसी से लड़ाई होने वाली है, इन सभी परिस्थितियों में दुरंत देव 51 बार बोलने से किसी भी समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाता है। अगला शब्द है टस्कस। टस्कस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दर्शकों। अगर आप फेम चाहते हैं, बहुत ही फेमस होना चाहते हैं, दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, आप जो काम करते हैं उसमें पैसा बढ़ाना चाहते हैं, या आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, अगर आप जल्दी सफलता चाहते हैं, तो दिन में किसी भी समय 51 बार आप इस वर्ड को बोल सकते हैं। अगला है 33 नंबर। जी हाँ दर्शकों, अपने बाएं हाथ के शुक्र पर्वत पर ग्रीन पेन से 33 लिखें। इसे हमेशा लिखे रहने दें, अगर मिटे तो फिर से लिखें, आपके पास पैसा ही पैसा खिंचा चला जाएगा। अगला शब्द है लुई टेक्लिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लुई टेक्लिया। अगर आपको पैसा ही पैसा चाहिए, तो लुई टेक्लिया को रोज 51 बार दिन में किसी भी समय आप बोल सकते हैं, ये कॉन्वलेक्सा से भी ज्यादा काम करता है। अगला स्विच वर्ड है रीच फर्स्ट रैंक डिवाइन। रीच फर्स्ट रैंक डिवाइन, अगर आप बार बार इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, तो इस वर्ड को रीच फर्स्ट रैंक डिवाइन को 51 बार बोलने से आप किसी भी इंटरव्यू में सफल हो जाएंगे। अगला शब्द आता है अर्मेंटिकोस। अर्मेंटिकोस ये भी एक इटालियन स्विच वर्ड है। अगर आप पे कोर्ट केस चल रहे हैं और आप बेगुनाह हैं, तो आप इस वर्ड को 51 बार कम से कम बोलें और इससे आपको काफ़ी फायदा नजर आएगा। अगला है शब्द धम। धम ये कुबेर मंत्र है। अगर आपको मनी, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो दिन में कम से कम 51 बार किसी भी समय आप अपनी उंगलियों को कुबेर मुद्रा में रखकर धम 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 बोल सकेंगे, तो आपको काफ़ी बदलाव नजर आएगा। अगला वर्ड है अश्विना। अश्विना ये भी एक इटालियन स्विच वर्ड है। अगर आपको कोई बीमारी है या घर में कोई बीमार रहता है और ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको अश्विना दिन में किसी भी समय 51 बार बोलते रहना चाहिए, इससे सभी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। अगला वर्ड है वगैरह। वगैरह अगर आपकी कमर में दर्द होता है, ठीक नहीं हो रहा है, तो वगैरह को दिन में 51 बार बोलने से आपको फायदा जरूर नजर आएगा। अगला इटालियन स्विच वर्ड है फ्लूरॉक। फ्लूरॉक अगर आपको लाइफ में पैसा ही पैसा चाहिए, पैसे की बरसात हो, तो रोज इस वर्ड को 51 बार बोलने से आपको काफी फायदा नजर आने लगेगा। अगला वर्ड है एस। एस अगर कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, एस स्विच वर्ड को दिन में कभी भी बोलते रहें, बार बार रिपीट करते रहें, मन में रिपीट करते रहें, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इटालियन स्विच वर्ड जो काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। लेकिन मैं सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि चाहे आप स्विच वर्ड्स को बहुत बार रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। जितनी मेहनत आप करेंगे, उतना ही आप खुद को सक्सेसफुल पाएंगे। और वैसे भी कठिनाइयाँ तो सबके जीवन में लगी रहती हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस रखते हुए, खुश रहते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाना है और ये ठान के चलना है कि मेरा आज कल से बेहतर हो।
और इसी उम्मीद के साथ डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम आपसे अलविदा कहती है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। चलते चलते कहना चाहूँगी, शब्द भी बोलता है, भेद को खोलता है। शब्दों की सरिता जब लेखनी से बहती है, अक्षर की गरिमा तब कल कल स्वर कहती है। नमस्कार। ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इन्हांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स सवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्रांटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं? आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशन में पारंगत होना चाहते हैं? तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर ए ब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।